बिजनेस करना चाहते हो ना, 5 लाख लगा दिया ना तो समझ लो डूब गए। आप 5 लाख लगा दो या 10 लाख लगाओ या 1 लाख लगा दो, हलवा नहीं के खा लेके गले से उतर गया। कपड़ा हर जगह बिकता है मार्केट में, आपको एक्सपीरियंस है नहीं है तो क्या कर रहे हो, खोटे पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो अपना। 4 टॉपिक आपको मैं बताऊंगा, वो आपको ठीक लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। अगर अच्छा नहीं लगे तो बहुत सारे वीडियो है यहाँ पे मोटिवेशन, उसको आप देख सकते हो, ठीक है। और आपका जो स्टाफ बैठता है क्या करता है क्या नहीं करता है, कस्टमर की वैल्यू कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वो सोचिए। आज आपने 5 लाख लगाए, 2 लाख, 1 लाख लगा लिया, क्यों लगाया आपने वो सोचिए। लगाने का इंटेंस क्या है आपका, क्योंकि आपके घर में 2 पैसा ज़्यादा आए तब आप अच्छी लाइफ जी पाओगे, ठीक है। तो सोचो कि मेरे में कहाँ कमी है, मेरी शॉप में कहाँ कमी है, आज मुझे बिजनेस करना है तो मैं क्या करूँगा। पहले उसकी हिस्ट्री निकालूंगा कि मैं नया बिजनेस करूंगा, कहाँ से माल उठाऊंगा, माल कैसे बेचूंगा, कपड़ा कौन सा रखूंगा, कपड़े में कितने टाइप के कपड़े आते हैं, मुझे गाइड कौन करेगा। पैसा तो हर कोई कमाता है, ठीक है। बिजनेस में हर आपके आसपास 15-20 दुकान है, वो भी शाम को 10,000 कमा के घर चले जाता है, पर आपको वही काम करना है। तो सूरत सबसे बड़ा कपड़ा का व्यापार है, कहीं से माल उठा के घर पर लेके जाओ, माल बेच दो, उसके बाद का क्या है, वही ना। बस एक लेवल पर काम करोगे। अगर आपको लग रहा है मुझे बड़े लेवल पर काम करना है तो वीडियो के एंड तक बने रहो। देखो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ मालूम है, आपका 1 लाख रुपया हमारे लिए 10 लाख के बराबर है। धंधा करो ही मत, शांत से जॉब करो, आराम से सुबह जाओ शाम को आ जाओ फिनिश कर दो, वही 10-15-25 हज़ार पगार आएगा, उसमें तुम्हारा घर चल जाएगा, बेटे का बेटा होगा, उसके बाद वो भी जॉब पर ही जाएगा। बिजनेस करने के लिए क्या करना पड़ता है पहले मालूम है, उसका एक होता है केस स्टडी, उसका होता है केस रेडी पढ़ना पड़ता है कि समझो कि मुझे बिजनेस करने के मुझे क्या क्या चाहिए। आज मुझे मकान बनाना है तो उसमें क्या क्या प्रोडक्ट लगेगा, जाके वहाँ पे 2 ईंट रख दो, अपने आप रेती सीमेंट सबको जाने लग जाएगा। तो बिजनेस करने के लिए आपको पहले एक बार सूरत आना पड़ेगा, बहुत सारी दुकानों घूमनी पड़ेगी, बड़े बड़े होलसेलर से मिलना पड़ेगा, सप्लायर से मिलना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ा, तो आना पड़ेगा तभी होगा। वहाँ बैठ के वीडियो देख रहे हो कुछ मतलब नहीं है, बहुत सारे वीडियो आते हैं भैया वही देखो और आराम से घर पे ही बैठो। अगर बिजनेस करना है मन से इच्छा है, मुझे लाइफ में ग्रो होना है, अच्छा कुछ करना है, मुझे समझो मिलेनियर बनना है, जितने भी इतना वीडियो देखते हो तो आप ये सोचो कि मुझे मिलेनियर मुझे कैसे बनना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। जितने भी आपने यहाँ पे 7 मिलेनियर बने गूगल पे सर्च मार लेना, आज गूगल हो गए गूगल, समझो गूगल पे ये लोग सर्च करते हैं अक्का दिन, भैया मुझे ये मैप पे जाना है, मुझे वो जाना, वो भी इंसान ने बनाया है, ठीक है। पैसा इंसान ने बनाया है, पैसे को इंसान ने नहीं बनाया है। तो आप ये सोचो कि मुझे पैसा ज़्यादा कमाना है, क्रेडिट कमाना है, मुझे एक वैल्यू बनाना है, मेरी खुद की रेपुटेशन बनाना है मेरे एरिए में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो ये सोचो। और सबसे बड़ी बात बता दूँ आपको मैं, क्या होता है एक खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कोई भी चीज़ बेचने के लिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप साड़ी ही बेचो, जो अच्छा लगे वो बिजनेस करो आपको लाइफ में ग्रो होने के लिए। तो मेरा वीडियो बनाने का माध्यम यही है, क्योंकि आप 5-10 लाख लगा रहे हो, अपनी पूंजी लगा रहे हो तो ढंग से लगाओ, ठीक है। मैं आपको 4 ही पॉइंट बताऊँगा, अगर आपको ठीक लगे तो वीडियो को लाइक करना, तो बहुत सारे वीडियो आगे जाके देख लेना, ठीक है। सीधा फंडा है, देखो क्या होता है बिजनेस करने के लिए, पहले अपना एरिया पढ़ना पड़ता है, अपना स्टेट पढ़ना पड़ता है। आज वही दुकान का मतलब ये दुकान में ये रखा भैया इधर मेरे पास 250 का मिलता है, तो कभी आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। उसका मत सोचो, अपना सोचो कि मैं अच्छा क्या कर सकता हूँ। हाँ टेंडुलकर सोचता कि भाई हर जगह सब जब मैच खेलते तो मैं कभी आगे ही नहीं बढ़ पाऊँगा, उसने सोचा था नहीं सोचा था, पर आज का क्रिकेट टीम का 1 बादशाह है वो। तो आप में भी देखो, भगवान ने सबको हुनर दिया, सब में एक प्लस पॉजिटिव होता है। आज मेरे में प्लस पॉजिटिव, तुम्हारे में प्लस पॉजिटिव, आप उसको टाइम दो। जितना टाइम अपने बिजनेस के लिए दोगे ना तभी बिजनेस कर पाओगे। लगता है आपको कि मैं 365 दिन 24/7 अगर आप ग्रो करना चाहते हो ना तो अपने आप होगा। दिन में अपने 1% भी अपने खुद को बिजनेस को दिया ना तो साल के 3,600 कंपाउंड होता है, ठीक है। तो सोच लो बिजनेस अपने आप ग्रो हो जाएगा। तो अपने बिजनेस करने के लिए मुझे खुद को मेहनत करना पड़ेगा। दूसरी बात मैं ये बता रहा हूँ, देखो अगर आप साल के, जैसे मैं भी अभी रिपीट किया था कि साल का 1% मैं अपने आप को चेंज करता हूँ मेरी शॉप में, कि मेरे खुद के अंदर, तो साल में 3,600 कंपाउंड में खुद में ग्रो कर सकता हूँ।
मेरे बिजनेस में ग्रो करता हूँ। किसी के बाप की ताकत नहीं है कि वो ये आपको बिजनेस को डाउन ला सके। अपने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखो एक लेवल होता है आदमी का, आज मुझे लग रहा है कि मुझे मेरे एरिया में मुझे हिट होना है, उसके बाद लेवल क्या है। अगर आपको लगा मुझे ऑल ओवर इंडिया कवर करना है तो लग जाओ, एक ही सपना सोचो भैया रात दिन, जो समझो जो नींदे उड़ा देने वो अपना सफलता। ये सिंपल फंडा है, अगर सोचो वही काम करना है वही करना है फिर वीडियो छोड़ दो। और पहला पोजिशन मैं बता रहा हूँ, वे अपना पहला मैंने बता रहा हूँ मैं बिजनेस करने के लिए, ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि क्यों बिजनेस करना क्यों चाहते हो आप, ठीक है। अपने परिवार के लिए, खुद के लिए, खुद लाइफ में ग्रो होने के लिए, ठीक है। तो बिजनेस करने, साड़ी का व्यापार करने के लिए सबसे बड़ी बात, एक मगज में एक माइंड में सोच लो आप माइंड के अंदर कि मुझे सबसे बड़ा मुझे सप्लायर कहाँ से मिलेगा, प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा, ठीक है। कपड़े की क्वालिटी मुझे कहाँ से मिलेगी, मैं उस पर कैसे मार्जिन रखूँगा, ठीक है। वो चीज़ सोचनी पड़ेगी आपको। तो उसके लिए स्क्रीन के ये नंबर पे देखिए, कॉल कीजिए, बात कीजिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे आ जाओ मुझसे मिल लो तो मैं अच्छी अच्छी बातें कर दूँगा बिजनेस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है भैया। मेहनत करना पड़ता है, 4-5 साल देना पड़ता है तब बिजनेस ग्रो होता है। प्रोडक्ट कैसे भी लो क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। कस्टमर को सेटिस्फाई कर सको ना, उसके मुँह पर स्माइल कर सको ना, उससे बेटर कोई लाइफ में कोई काम नहीं है, ठीक है। अगर प्रोडक्ट अच्छी होगी ना तो मैं दावे से बोलता हूँ कि कस्टमर आपसे खुश होकर आपको टिप देके जाएगा कि आपके प्रोडक्ट महंगा भी होगा ना तो भी आपसे लेके जाएगा, ठीक है। आपके आसपास बहुत सारी दुकान है तो 10 किलोमीटर के 5 किलोमीटर दूर जाके अपनी दुकान को देखो, सर्वे करो कि मेरी दुकान में क्या कमी है। मैं बिजनेस कर रहा हूँ 10 साल से तो वही 10,000-15,000-20,000 रुपये आ रहा पर डे का, मैं कहाँ तक जा रहा हूँ। एक शॉप से मेरी दूसरी शॉप क्यों नहीं हो रही, मेरे में कहाँ कमी है। घर में मिरर लगा हुआ है ना, खुद का फेस रीडिंग करो, मैं कहाँ से माल ले रहा हूँ, क्यों मेरा माल बिक नहीं रहा है, क्यों मुझे हर बार मुझे सूरत आना पड़ता है, वही लॉट का माल लेकर मुझे माल बेचना पड़ता है, वही मेहनत करनी पड़ती, कहाँ कमी है वो सोचो। कहीं दुकान में कमी है या मेरे में कमी है, मेरे स्टाफ में कमी है, या वही अखिल टिकटॉक देखते रहते हो, बस कस्टमर आ नहीं रहा है, घुमाया देखा फिनिश। उसके करता खुद पे काम करो, खुद की दुकान पे काम करो। देखो आज समझो कि बड़े बड़े जो वॉलमार्ट होते हैं, वॉलमार्ट नाम सुना होगा आउट ऑफ कंट्री में, सुना होगा अभी वॉलमार्ट होता है, वहाँ पे जो होता है ना इंटीरियर सबसे बेस्ट होता है। 50 जन दिमाग लगाते इंटीरियर पे, एक अपनी लाइट लगानी हो ना तो उसके भी कलर पास करते हैं, नहीं करना आता है तो कॉपी पेस्ट करो, अपने करोड़पति बन जाओगे आप, ठीक है। सीधा फंडा है दुकान का इंटीरियर, देखो दुकान का जो इंटीरियर होता है सबसे बेस्ट होता है। जैसे मैं सुबह उठता हूँ, भगवान का जाता हूँ, प्रे करता हूँ, भगवान है नहीं है ना तो भी क्या सोचते हैं, भगवान मेरी इच्छा पूरी कर देना। उसके लिए अच्छी सोच करनी पड़ेगी। आज मैं दुकान का पहला दरवाजा ओपन करूँगा ना तो उसकी सबसे बड़ा क्या होगा, उसकी लाइट पे, उसकी इंटरनल पे जाएगा, तो वो कीजिए। दूसरी बात, आपके स्टाफ में आप कैसा व्यवहार करते हो, ठीक है, वो एक वो पॉइंट हो गया। अब तीसरी बात मैं ये बता रहा हूँ, देखिए तीसरी बात में क्या होता है, जैसे आप नीचे माल ले रहे हो, आपको सर्विस दे रहा है और प्रोडक्ट बिक रही है नहीं बिक रही है, कैसा माल उठा रहे हो। देखो यहाँ पे एक ही छत के नीचे साड़ी, कुर्ती, ड्रेस मटेरियल, लहंगा, दुपट्टा, फिर ब्राइडल साड़ी, यानी हर चीज़ है। आप में दम है बेचने का तो 101% हम में भी दम है माल देने का। तो आपको लगता है ना कि आपको लाइफ में ग्रो होना है, बड़े पैदाने पे काम करना है, तो मैं यही बोलूँगा एक बार आइए सूरत, मिलिए मुझसे, मैं मुकेश वगैरह कैसे टेक्सटाइल कंपनी में आपको 101% सेटिस्फाई कर दूँगा। और चौथा पॉइंट मैं बताऊँ, प्रोडक्ट ऐसी रखो सस्ता, हमें सस्ता ही होता है। प्रोडक्ट अच्छी होगी ना तभी दुकान अच्छी होगी और आपका व्यवहार अच्छा होगा। प्रोडक्ट अगर उस पर समझो आपने सस्ता रख लिया, कितना कमा लोगे दिन का, 20,000-25,000, उसके लेवल बाद सस्ते के बाद क्या आता है, महंगा ही आता है। महंगा बेचो, अच्छा बेचो, सस्ता खाली अंदर एंटर के लिए होता है, कस्टमर के लिए, ठीक है। तो आप ये सोचो कि मैं ऐसी कोई प्रोडक्ट रखूँ, आज मेरे खुद की ब्रांड होनी चाहिए कि मेरे में कोई बोलेंगे भैया वो मोहनलाल की दुकान पर जाता हूँ, भैया खुद का ब्रांड का साड़ी बेचता है 101%, ऐसा होना चाहिए। कैसा होता है, क्योंकि आज मैं देखो ये मैं साड़ी आपको दिखा रहा हूँ, ओपन करके देखो कि समझे, ये साड़ी दिखा रहा हूँ मैं आपको जोमेटो फैब्रिक पे, ये देखिए। अब ये साड़ी की मैं बताता हूँ, आज मैं
साड़ी हर जगह दुकान में मिलती है, ठीक है। अब मैं अपने दावे से बोलता हूँ कि भैया मैं दावे से क्यों बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद मैन्युफैक्चरिंग बोल रहा हूँ, मेरा खुद का होलसेलर है, मेरे खुद के मशीन चलते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट हमारे वहाँ पे आपको 55 रुपये की, 60 रुपये की, 180 की, 300 की, 400, 500 की जो प्रोडक्ट मिलती है ना, तुमको मार्केट में तुमको सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि क्यों नहीं मिलेगा मालूम, क्योंकि हम खुद होलसेलर है, हम खुद साड़ी बनाते, हम 100 में से 5 ऐसे डिज़ाइन पास आउट करते कि जो मार्केट में चलती है, जिसका बुटीक का शॉप है, जो ये साड़ी पे लोग 15-2 हज़ार कमाते हैं। जहाँ पे मेरे वहाँ पे ये ब्राइडल साड़ी जो हो जाती है ना 585 से स्टार्टअप हो जाती है। सीजन के सीजन में माल रखना चालू करो, ठीक है। साड़ी की मैं एक बात बता देता हूँ, देखिए ये साड़ी होगा जोमेटो फैब्रिक पे है, ठीक है। अब इसकी मैं बात करूँ तो इसमें गोल्डन जरी का काम किया गया, ये देख सकते हो उसमें पूरे फ्लावर पूरा काम अटैच किया गया। साड़ी हम में से साड़ी की लेंथ इंपॉर्टेंट लगती है, 6 इंच का कट होना चाहिए, ठीक है। ब्लाउज 1 मीटर का होना चाहिए तभी साड़ी मार्केट में बिकती है। अगर सस्ता चाहिए ना तो 4.5 का कट मिल जाएगा, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। तो ऐसा सोचे कि मैं क्या कर सकता हूँ कस्टमर के लिए। अगर कस्टमर अच्छा होगा ना आपके पास तो 101% आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाओगे। पहली बात तो मैं ये बता दूँ, बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, पूंजी लगा रहे हो, तो उस पर ध्यान लगाओ। आजू बाजू की दुकान की बात छोड़ो, खुद के बिजनेस ग्रो करना चालू करो। खुद पे 1% आपने इंक्रीज कर दिया ना, फिर आप खुद ही बोलोगे भैया मेरे में बहुत अच्छा है, मेरी दुकान चलने चालू हो जाएगी। एक तो आप उसका इंटीरियर सही कर दो, खुद का व्यवहार अच्छा कर दो, क्वालिटी अच्छी कर दो, और जो प्राइस होती है उस पर थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। और खुद पे व्यवहार थोड़ा अच्छा करो, तो सबसे बड़ी बात अपना बिजनेस अपने आप ग्रो हो जाएगा, ठीक है।